हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल शालिनीज किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कटहल के अचार की एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है और एक साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। बस आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। मैंने कुछ टिप्स शेयर की है इस वीडियो के एंड में, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन होती है उस पर क्लिक कीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन होती है सब्सक्राइब बटन के बगल में, उस पर जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे नए नए वीडियोज एंजॉय कर सकें। तो चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। कटहल की टेस्टी अचार बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया है, आप चाहें तो वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने तवे को लो फ्लेम पे रखा है और अब हम कुछ चीज़ें ड्राई रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ मेथी दाना, इसे हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ सौंफ, इसे भी मेथी के साथ 30 से 40 सेकेंड्स के लिए लो फ्लेम पे भून लीजिए। इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है और सेम तवे पे मैं अब ड्राई रोस्ट करूंगी ये निजेला सीड, जिसे हम अंग्रेल भी कहते हैं। इसे भी लगातार चलाते हुए 30 से 40 सेकेंड्स के लिए लो फ्लेम पे भून लीजिए। इसे भी सेम प्लेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसे एक साइड पे रख दें, जब ये हल्की ठंडी हो जाएगी तब हम इसे दरदरा कूट लेंगे। खटाई के लिए मैंने एक छोटी सी आम ली थी, जिसके छिलके को मैंने हटा दिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून के करीब नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी ऐड कर दीजिए, अराउंड 1/4 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कीजिए और हमारी खटाई रेडी है। तो इसे एक साइड पर रख दें, अब चलते हैं अगले प्रोसेस पे। यहाँ मैंने एक बड़ी सी बोल ली है जिसमें मैंने 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया है, साथ ही में मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून के करीब नमक, 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और एक उबाल आने तक का वेट करेंगे। यहाँ मैंने कटहल को छील लिया था, फिर मैंने कटहल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने स्मॉल पीसेस में से कट किया है। इसे ये आसानी से पक जाती है, तो इसे खौलते हुए पानी में डाल दीजिए और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। हमारी कटहल 12 मिनट से उबल रही है, तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से पक चुकी है, काफ़ी आसानी से फोक जो है कटहल के अंदर जा रही है, तो इसे निकाल दीजिए। और अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब चलिए इसे छान लेते हैं एक छन्नी की मदद से। वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप इसे छान लें, ये देखिए। और अब मैं इसे 20 से 25 मिनट के लिए कड़ी धूप में डाल देती हूँ, ताकि इसकी जो भी मॉइस्चर है, जो भी वाटर कंटेंट है, वो सारे निकल जाए और ये थोड़ी ड्राई हो जाए। जब तक हमारी कटहल सूख रही है, तब तक हमने खड़े मसाले ड्राई रोस्ट किए थे उसे हम इस जार में डाल के दरदरा कूट लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक ना पीसें। ये देखिए मैंने मसाले को दरदरा कूट लिया है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है। और एक पैन ली है जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ सरसों तेल। आप इस रेसिपी को सरसों तेल में ही ट्राई करें, इसे ये बहुत ही बढ़िया लगती है। फ्लेम को लो पे रखा है और अब मैं ऐड कर रही हूँ दरदरी कूटी हुई मसाले और हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है। इसे 10 सेकेंड्स के लिए भून लीजिए लो फ्लेम पे। फिर मैं ऐड कर रही हूँ नमक, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, 30 से 40 सेकेंड्स के लिए भून लीजिए। फिर मैं ऐड कर रही हूँ ये विनेगर, जो आम से निकली थी पानी वो भी मैंने विनेगर में ऐड कर दिया है और इसे भी मिक्स कर दें। फिर मैं ऐड कर रही हूँ ये आम, इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, इसे ऐड कर दीजिए। फिर डाल रही हूँ ये कटहल, अच्छे से मिक्स कीजिए और मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें 4 से 5 मिनट के लिए बहुत ही बढ़िया से कुक कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं हमारी कटहल काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और जब ये ठंडी हो जाएगी तब मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूंगी। मैंने यहाँ ये स्टील की एक बर्तन ली है जिसमें मैं अब कटहल के अचार को डालने वाली हूँ और इसमें ही डाल के मैं इसे धूप दिखाऊंगी। आप इसकी जगह चाहें तो कोई भी ग्लास के कंटेनर को भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखें कि वो थोड़ी चौड़ी हो ताकि कटहल के अचार पर काफ़ी अच्छे से धूप लग पाए। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है अब धूप में सूखने के लिए। हम इसे कुछ 3 से 4 दिन तक कड़ी धूप में सूखने देंगे। तो सुखाने से पहले मैंने इसे एक कॉटन कपड़े से इस तरीके से कवर किया है। वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप भी कंटेनर को अच्छे से कवर कर लें,
इसे ये बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और अच्छी रहेगी। 4 दिन से हमारी ये कटहल के अचार सूख रही थी, आप देख सकते हैं ये काफी बढ़िया लग रही है देखने में। अगर आपकी कटहल की अचार थोड़ी ड्राई लग रही है तो आप सरसों तेल को काफी अच्छे से खौला लें और जब वो ठंडी हो जाए तो अचार में मिला दीजिए। फिर आप इसे सुखाएं और 30 डेज के बाद आपकी अचार जो है वो तैयार हो जाएगी। और अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगी। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।